छत से झंडा उतार रहा है, गरील तक टूट रही है। आप सच्चाई की बात करें, ना कि अंधविश्वास और पाखंडवाद और यह आतंकवाद। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत करवाए जाते होते नहीं है। गोली मारोगे? नहीं, आप एविडेंस लेके बैठे हो क्या? ये आप जैसे जो पत्रकार है ना, यही करते हैं बदमाशी, यही चाटुकारिता है। शासन प्रशासन भूटे बूंद रहे हैं क्या? उनको पता नहीं है कि कब क्या क्या घटना हुई है, कितना मुआवजा देना है, क्या कौन कौन से आरोपी हैं। आप समाज है जहाँ, उसके अंदर आप ऐसे अश्लील गाने चलाओगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन गलत का विरोध करना चाहिए। अगर कांग्रेसियों को समझ में आ जाती नू दंगे के अंदर कौन लोग थे और क्या हाल हुआ, तो आज ये कांग्रेस का हर्ष नहीं होता। अब इन्होंने यह नया षड्यंत्र रचने का काम किया है जाकर के यूपी के अंदर। जंगड़े साहब, एक चीज बताइए, आपको लाइसेंस किसने दे दिया है? अगर कोई उपद्रव भी चला गया तो उसे कानून के हवाले, पुलिस प्रशासन के हवाले करना। गोली मारोगे? नहीं, आप एविडेंस लेके बैठे हो क्या? या आप जैसे जो पत्रकार है ना, यही करते हैं बदमाशी, यही चाटुकारिता है। क्या किसी एक पत्रकार ने, एक मीडिया के साथी ने पत्थर मारता हुआ, गोली मारता हुआ? अरे हम बता रहे हैं, आपकी आंखें अगर खुली हो, छत से झंडा उतार रहा है, गरील तक टूट रही है। आप सच्चाई की बात करें, ना कि अंधविश्वास और पाखंडवाद और यह आतंकवाद। अब कहीं भी नहीं है आज। गोली किसने मारी? गोली किसने मारी? गोली वही बीजेपी आरएसएस के लोगों ने मारी होगी। हमने किसी दलितों का, पिछड़ों का, इनका कोई गोली मारने का जुगाड़ है क्या? मुख्य आरोपी सलमान को बनाया गया है, अहमद। चलिए, जो है ये सारे का सारा जिसके घर पे वो चढ़ा, तो शासन प्रशासन ने कुछ नहीं दिखाई दिया। जो घर का मालिक है उसी को निशाने पर लिया, उसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए और उसी को जेल में डालने का काम कर रहा है। अरे भाई, राजा होता है ना, राजा का ये काम है क्या? आप तुरंत जाकर के उनसे मिलोगे तो मुस्लिमों के जिसका परिवार का एक लड़का एक्सपायर हुआ है, आप पूरे परिवार को बुला करके सीएम साहब खुद मिल रहे हैं। शासन प्रशासन भूटे बूंद रहे हैं क्या? उनको पता नहीं है कि कब क्या क्या घटना हुई है, कितना मुआवजा देना है, क्या कौन कौन से आरोपी हैं, तमाम सारे पहलू पे। देखिए, ये इनके फरमान सुनते सुनते हम पक चुके हैं, 10 साल हो गई है, अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर ये कांग्रेस को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए तो कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, आम जन मानस का नुकसान करने का काम। एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में ये जो घटना हुई है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर फेलियर आया कि प्रशासन का मिली भगत? लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की, सीआईडी की अगर रिपोर्ट सही होती तो ये मामला नहीं होता, लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत करवाए जाते होते नहीं है। जी, लेकिन बुलडोजर बाबा शांत नहीं बैठेंगे कहा जा रहा है? देखिए, बेशक वो शांत ना बैठे, ज्यादा कूदने की भी जरूरत नहीं है। अभी पिछले चुनाव में इनका देख लिया और अब ये उपचुनाव के लिए, ये मैं कह रहा हूँ ना, बार बार ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, हमने खूब देखा है। कोई इशू नहीं होता है, लेकिन उसको पूरा बबंडर बनाने का काम इनका है। बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, या आरएसएस हो, या खुद बीजेपी हो, इनका सबका एक ही मोटो होता है, किसी न किसी तरीके से परिवारों को, जातियों को, समाज को बांटो और राज करो। अब जनता ज्यादा इनकी बातों में नहीं आने वाली। राम फल जी, बताइए कि डीजे नहीं चला सकते हिंदू अपने कार्यक्रम में, मुसलमान? अरे भाई, कौन रोक रहा है? माँ बहन बेटियों के प्रति ऐसे गंदे गाने गाए, उनको आप सुनाओगे? आप अपने घर पर सुनाइए ना। आप समाज है जहाँ, उसके अंदर आप ऐसे अश्लील गाने चलाओगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, सब लोग जिंदा है, जमीर है। अगर कोई गलत काम होता है, मौत कल भी आनी है, मौत परसों भी आनी है, अगर अभी आज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत का विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका साउंड कम कर लो, आप आगे जाके बजा लेना। अरे घर के अंदर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, कमजोर बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, क्या करोगे आप? आपकी तानाशाही है। आप देख लिए, गाजियाबाद से दिल्ली सर्कुलर आते हैं, ये फरीदाबाद पलवल से चलते हैं, तीन तीन चार चार डब्बों के अंदर पांच पांच घंटे में नाच होता है। आप कीर्तन बजाओ, दूसरा आदमी 5 मिनट की नमाज पढ़ ले तो तुम्हारे पेटों में दर्द होने लग जाता है। इस देश के अंदर सारे का सारा ठेका ही जो ले रखा है वो हिंदुओं ने ले रखा है, और वो भी बीजेपी और आरएसएस के। ये बीजेपी के नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं धर्म धार्मिक यात्राओं में? हमेशा गरीब गुरबों क्यों मारा जाता है? चंद्र गुप्ता हो या ये गोपाल मिश्रा हो, देखिए वो शिकार बनाए जाते हैं। कौन किसको शिकार बनाना है? शाह का बेटा बीसीसीआई का हो जाएगा। जब हमारे को ये मिल रहे हैं ना मुर्गे, इनके काटने का इन्हीं का काम है।
ये तो इनको पेरेंट्स को सोचना चाहिए, इनके परिवारों को सोचना चाहिए, स्कूल कॉलेज भेजना है या हमने ये दंगाई बनाना है। धर्म बचा बार बार ये धर्म बचाने के चक्कर के अंदर अपना बहुत बड़ा नुकसान करके बैठते हैं। और हमने तो 2016 भी हरियाणा जलता हुआ देखा है, अभी नू जलता हुआ देखा है, गोधरा देखा है, ये तमाम सारे अभी पीछे 3-4 साल हो गई है, ये सियाणा में क्या हुआ, ये तमाम सारे दंगे देखे। 90 से मंडल और कमंडल की राजनीति से शुरू हुआ था और ये वाद विवाद आज तक बंद नहीं हुआ है। ये बीजेपी जब तक ऐसे घिनौने हरकत करेगी, 101% मान लिया कहीं भी जो शांति नहीं होनी है, दंगे ही होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।